तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे, और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। प्रदेश कैसे समृद्ध होकर प्रगति के पथ पर चले, इस विजन के साथ दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रदेश में सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव किस तरह की रहेगी, क्या कुछ रहेगा? पूरी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर संगठन का काम शुरू हो चुका है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में प्रदेश के अंदर अलग अलग लोकसभा में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में लोकसभा वाइज हम जल्द से करेंगे, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में रैलियां निकाल रहे हैं, और कमेटी प्रदेश सरकार ने बनाई है, और उसके ऊपर हमारे 3 IAS अफसर चर्चा भी करे, रिजल्ट आएगा, आगे देखते हैं उनकी चर्चा का क्या निष्कर्ष। देखिए, संगठन के काम अपनी जगह होते हैं, सरकार के काम अपनी जगह होते हैं। हम सरकार चल रही है, चला रहे हैं, कहीं कोई हमको समस्या नहीं है। संगठनात्मक चीजें प्रभारी जो होते हैं वो संगठनात्मक बातों के लिए होते हैं, वो सरकार के लिए नहीं होते हैं। संगठन के निर्णय में उन्होंने क्या करना है, उनके सामने आगे चुनाव है, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव है, उसको ध्यान में रख करके कुछ बातें उन्होंने सोची होंगी, विचार की होंगी, तो उसके बारे में कम से कम मैं तो भी कमेंट नहीं कर सकता। मिलना में कोई हर्ज नहीं है, आखिर सबसे ही मिलते हैं। नहीं नहीं, मेरे से मुलाकात की तो बहुत सी चर्चाएं होती हैं। नहीं, किसानों के बारे में हुई चर्चा, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, हमने उनको बताया सारा विषय, हरियाणा के बैकग्राउंड में किसानों का हम क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आज आपको बताई हैं। ये सब बातें उनको बार बार मीडिया के सामने सवाल पूछने थे कि गठबंधन टूट जाना चाहिए और भाजपा को इससे नुकसान हो रहा है, दिल्ली में भी ऐसी बात की गई, चौधरी वीरेंद्र ने भी कहा, सोमदीप सांगवान ने भी कहा, गोपाल कांडा ने भी कहा। आपको नहीं लगता कि आपकी बात ठीक है कि गठबंधन चल रहा है, जो प्रभारी जी हैं और देखे था, इस तरह की बातें जो उठेंगी, लगातार उठ रही हैं, उनसे गठबंधन पर कोई असर पड़ रहा है, मनमुटाव? कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। हमारी जब भी मीटिंग होती है, हम व्यक्तिगत भी मीटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट की मीटिंग करते हैं, कैबिनेट की मीटिंग भी करते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं हमारा, किसी डिपार्टमेंट की नहीं है, किसी और चीज की नहीं है। आगे की राजनीति के लिए संगठनों ने कहा, देखिए उनका हमारा जो गठबंधन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो पहले भी हमको चुनाव गठबंधन में थोड़ी लड़े थे, वो तो आवश्यकता, हमारी भी आवश्यकता कहे, उनकी भी आवश्यकता कहे, दोनों की आवश्यकता थी, जनहित में हमको ये सब करना था, हमने किया। इसमें जनता का हित पहली बात होती है, क्योंकि आखिर सरकार में मेजोरिटी एक अपने आप एक सिद्धांत है, तो मेजोरिटी में कोई भी नहीं था, अब कोई नहीं था तो कुछ न कुछ करके मेजोरिटी बनाने के लिए कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, उसमें इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ है, जेजेपी भी हमारे साथ है, हम संख्या में कुल मिलाकर के 58-59 लोग हैं, केवल अगर 31, अब तो 30 हो गए, 30 कांग्रेस के और एक ILD और एक है एक एक बस, तो ये 32 लोग हैं जो 12-58 लोग तो हम साथी हैं। पर ये इस तरह की बात निर्दलीय क्या कुछ छुपाना चाहते हैं सरकार से? मैंने बताया, मेरे सामने, मेरे साथ कोई ऐसा विषय नहीं हुआ, प्रभारी जी के साथ मीटिंग हुई उस समय, मुझे इसका कुछ पता नहीं है। मैंने बोला, संजय सांगवान ने कैमरों पे कहा कि इस गठबंधन की कोई अहमियत नहीं है, हम साथ विधायक सरकार के साथ है। अच्छा हो क्या आप सोमवे से पूछो? नहीं, वो बोला मैंने, नहीं आप लोग आप पूछ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं। इशू ये है, गठबंधन की सरकार चल रही है आज तक जनता के हित के लिए, अब बीजेपी जेडीपी सरकार जनता के हित में ही ठीक काम कर रही है। नहीं तो ये तो आगे की बातें चल रही है, आज गठबंधन है वो जनता।